जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद भारतीय वायुसेना सतर्क हो गई है, जिसके तहत वायुसेना ने 10 काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए स्वदेशी कंपनियों से अनुरोध किया है। भारतीय वायुसेना इन प्रणालियों को अलग अलग एयरबेसों पर तैनात करेगा। मानव रहित विमान प्रणाली का मुख्य काम विरोधियों के ड्रोन का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना, पहचानना और फिर उन्हें बेअसर करना होगा। भारतीय वायुसेना इस मानव रहित विमान की डिलीवरी इसी साल के भीतर करना चाहता है और इसके लिए इसमें स्वदेशी उपकरण निर्माता कंपनियां ही इस पूरे डील में भाग ले सकती हैं। जो मानव रहित विमान प्रणाली मिलने वाली है उसमें ये सब खूबियां हो सकती हैं। वो पूरी तरीके से व्हीकल माउंटेड सिस्टम होगा, सड़क और हवाई परिवहन योग्य होगा, तुरंत तैनाती और निकासी हो सके उसे ऐसा बनाया जाएगा। उसके अलावा 360 डिग्री कवरेज के साथ 5 किलोमीटर की रेंज होगी। CUAS मल्टी सेंसर उसमें लगे होंगे, मल्टीकिल सॉल्यूशन होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर होगा। इसराइल का ड्रोन डोम सिस्टम जैसा ही इसका फीचर सिस्टम होगा। ड्रोन डोम सिस्टम 3.5 किलोमीटर तक के टारगेट का पता लगाने में सक्षम है। 360 डिग्री कवरेज के साथ ये सटीक पहचान भी बता सकता है। इसे एंड टू एंड सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। DRDO और भारतीय वायुसेना अपने एंटी ड्रोन सिस्टम पर मिलकर काम कर रहे हैं और इसका परीक्षण जल्द ही पूरा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 एंटी ड्रोन सिस्टम DRDO ने पहले ही विकसित किए हैं, जिसमें एक की रेंज 2 किलोमीटर तक है और दूसरे की रेंज 1 किलोमीटर तक। आपको बता दें कि जम्मू एयरबेस के परिसर में 27 जून को कई विस्फोट हुए, जिसके बाद ड्रोन हमले की पुष्टि हुई। 5 मिनट के अंतराल में 2 धमाके की आवाज सुनी गई। पहला धमाका 1:37 पर हुआ, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ, जबकि दूसरा 1:43 पर हुआ और वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ड्रोन विस्फोटों में भारतीय वायुसेना के 2 कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इसके बाद से जो भारतीय वायुसेना है और भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो गई है। हमले के बाद भारतीय सेना ने टर्म ऑफ लाइन कंट्रोल के पास जम्मू और पूंछ और रजौरी सेक्टर में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम संचार प्रणाली को बाधित कर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन को नीचे गिरा सकता है। जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर कई अन्य सुरक्षा उपाय जैसे हाई मास्ट लाइटिंग और कई सुरक्षा उपकरणों को भी तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने LOC पर ड्रोन निगरानी करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के लिए काउंटर ड्रोन प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के विभिन्न प्रकार के ड्रोनों को संभालने, पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए उन्हें ट्रेन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।